good morning all of you welcome to your sst class and students today i am continuing your chapter 17 of your book that is the fundamental rights duties and uh, directive principle of state policy students uh, yesterday i explained you about that what is the fundamental rights and why वी आर वाई नीड वाई वी नीड फंडामेंटल राइट्स जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि हमें फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी देट इज़ इन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ओके जिसमें मैंने बताया कि विदाउट फंडामेंटल राइट्स जो थे हम अपने uh, अपनी पहचान नहीं बना सकते थे अपने जो गोल्स थे जो uh, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस के वो उनको अचीव नहीं कर सकते थे ठीक है सो so, अचीव ऑल द गोल्स एज वेल एज टू सेव द डिग्निटी ऑफ़ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर नसेसरी ओके नाउ आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द टू फंडामेंटल राइट्स हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं और उनमें से मैंने कल दो फंडामेंटल राइट्स आपको समझा दिए थे वन इज़ नहीं सिर्फ एक ही समझाया था देट इज़ राइट टू इक्वेलिटी राइट टू इक्वेलिटी मैंने कल आपको बता दिया था राइट right? जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओके चलिए नाउ कम ऑन द सेकेंड फंडामेंटल राइट द राइट टू फ्रीडम फ्रीडम यू ऑल नो मीन्स यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम दैट इज वेन वी आर फ्री टू डू एनी थिंग जब हम फ्री होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए दैट इज कॉल्ड फ्रीडम बट यहाँ पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी जो बैड थिंग्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं नो बट वी कैन डू ऑल द गुड थिंग्स दैट इज़ इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द फेवर ऑफ द फैमिली वी कैन डू ऑल दैट थिंग्स दैट इज राइट टू फ्रीडम ओके नाउ वट प्रोविजन विच प्रोविजन्स आर कम अंडर द राइट टू फ्रीडम कौन से प्रोविज़न जो हैं वो राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं द वेरी फर्स्ट प्रोविजन दैट कम अंडर दिस राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस स्पीच एंड एक्सप्रेशंस स्पीच मीन्स वेन वी हैव द राइट टू स्पीच एनी थिंग और वी हैव ऑल्सो द राइट टू एक्सप्रेस आर व्यूज दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्पीच का मतलब क्या है कि यहाँ कोई लेक्चर देने से मतलब नहीं है स्पीच से स्पीच का मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर हम वो बोल सकते हैं एक्सप्रेशन अपने व्यूज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं वी कैन एक्सप्रेस आर व्यूज़ एंड Uh, in the society as well as we can express our views in front of the government that is freedom of speech and expression okay second is freedom to assemble peacefully and without arms what does it mean freedom to assemble peacefully and without arms ki hum पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से असेंबल हो सकते हैं असेंबल का मतलब समझते हो ना गैदर्ड होना जैसे हम सुबह स्कूल में असेंबली करते हैं तो असेंबली का मतलब क्या है वेन द होल स्कूल इज असेंबल्ड एट ए प्लेस तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स हमें वहाँ पर असेंबल होने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई झगड़े के लिए असेंबल होना गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करता है ठीक है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स 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 बिना arms के हथियारों के हम कोई कहीं पर भी अगर हम गैदर्ड हो रहे हैं चाहे हम किसी फेस्टिवल के लिए गैदर्ड हो रहे हैं चाहे हम किसी डिस्कशंस के लिए गैदर्ड हो रहे हैं पर हम विदाउट आर्म्स गैदर्ड होंगे बिना हथियारों के दैट वी विद दैटर्म्स अलाउड नहीं है हम किसी भी असेंबली में किसी भी असेंबली में जहाँ पर भी हम किसी भी बिगेस्ट फेस्टिवल uh, को अटेंड करने फेयर को अटेंड करने या किसी रैली uh, या स्पीच को अटेंड करने अगर हम जा रहे हैं तो हम विदाउट आर्म्स जाएंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होंगे हथियारों के साथ तो आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी ठीक है तो दिस इज़ द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स नेक्स्ट वन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। वी आर फ्री टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन्स होते हैं हम कोई भी ग्रुप बना सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं कोई भी अपनी मीटिंग uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम कर सकते हैं जो वर्क कर रही हो किसी भी काम के लिए बट देट शुड बी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जब अगर हम कोई एसोसिएशन भी बना रहे हैं हम कोई पार्टी भी बना रहे हैं हमने कोई ग्रुप बनाया है तो दैट शुड बी वर्क इन द फेवर ऑफ सोसाइटी ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बट अभी आपको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि हम वो सोसाइटी के फेवर में होनी चाहिए ठीक है हम कोई भी यूनियन फॉर्म करते हैं दैट शुड बी इन द फेवर ऑफ सोसाइटी क्लियर चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ जैसे एसोसिएशन्स uh, तो टेररिस्ट भी बनाते हैं उनकी अपनी ग्रुप होती है बट वो अलाउड नहीं है ठीक है टेररिज्म अलाउड नहीं है ना सेम थिंग तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वी आर फ्री टू मूव इन इंडिया हम भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं हम भारत के किसी भी कोने में जाकर वर्क कर सकते हैं वी आर फ्री टू मूव इन आर कंट्री विद इन आर कंट्री अपने कंट्री के लिए हम फ्री हैं बाहर जाने के लिए तो आप यू ऑल नो दैट कि हमें परमिशन चाहिए होती है वीज़ा चाहिए होता है तो दैट इज़ दैट इज़ अ डिफर थिंग ठीक है चलिए तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया सेम थिंग कि हम कहीं पर भी रह सकते हैं भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं अगर हम चाह हम पंजाब में रहते हैं बट हम ये जॉब की वजह से या किसी भी और कारणों से हम साउथ इंडिया में रहना चाहते हैं तो वी कैन डू हम वहाँ जाकर रह सकते हैं हम वहाँ जाकर अपना घर ले सकते हैं ठीक है फ्रीडम टू रिज़ाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाकर सेटल हो सकते हैं बहुत सारे इंडियंस पंजाबी लोग पंजाब से हरियाणा से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साउथ इंडिया में जाकर सेटल हैं और वे वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं ठीक है तो वी कैन डू एंड वी कैन रिज़ाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस दिस वॉन्स द लास्ट फ्रीडम द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस वट डज इट मीन कि हम कोई भी प्रोफेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी ट्रेड को चला सकते हैं कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकते हैं हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं बट यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं बट दैट शुड बी इन फेवर ऑफ सोसाइटी हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं बट वही बात है कि सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए अब चोरी करना भी एक ऑक्यूपेशन हो सकता है बट हम वो अलाउड नहीं है ठीक है तो हम व्यापार भी कोई भी कर सकते हैं बट सेम थिंग इज हेयर कि व्यापार जो भी वस्तु का हम करेंगे किसी भी थिंग का अगर हम ट्रेड करते हैं तो दैट शुड बी इन टू द फेवर ऑफ सोसाइटी क्लियर चलिए तो ये तो थी सिक्स फ्रीडम्स जो कि हमारे Constitution Nehamidnya I'm repeating these uh, six freedoms again. one is the freedom of speech and expression. We have uh, next is freedom to assemble peacefully and without arm, next freedom to form association and unions, next freedom to move freely throughout the territory of India. the next is freedom to reside and settle in any part of India, then practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. बट इन फ्रीडम्स के साथ साथ हमें कुछ और फ्रीडम्स भी दी गई हैं ये तो मेन सिक्स फ्रीडम्स हैं ठीक है अब राइट टू फ्रीडम आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजंस अब इसमें कुछ और प्रोविजंस भी हैं कुछ और बातें भी हैं जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आती हैं व्हाट आर दे वन इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस हमें प्रोटेक्शन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे साथ कोई अपराध किया जा रहा है हमारे साथ कोई गलत बिहेवियर किया जा रहा है कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस अगर हम कन्विट करते हैं हम बताते हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी ठीक है नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लाइफ की प्रोटेक्शन है हमारी कोई भी हमें आकर कभी भी ऐसे ही मार नहीं सकता हमारी लाइफ की हमें प्रोटेक्शन है एंड पर्सनल लिबर्टी और हमें पर्सनल स्वतंत्रता है लिबर्टी है हम कहीं पर भी अपने अपनी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ भी कर सकते हैं कोई भी काम कर सकते हैं कुछ भी आ, अपनी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ पर हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं दैट इज़ पर्सनल लिबर्टी वो हमारी पर्सनल लिबर्टी है हम क्या करना चाहते हैं हम कहाँ जाना चाहते हैं हम कहाँ रहना चाहते हैं दैट इज़ पर्सनल लिबर्टी और हमारी लाइफ की फुल प्रोटेक्शन है हमें कोई भी कहीं पर भी आकर हमारे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता हमें कुछ हार्म करने की कोशिश नहीं कर सकता इसके साथ साथ अगर कोई डिज़ास्टर भी आता है तो वो भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके तो दिस इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो हमारी लाइफ की if, की पर्सनल लिबर्टी है और प्रोटेक्शन है ठीक है चलिए नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन बिना किसी मतलब से हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता उसके भी हमें प्रोटेक्शन uh, है अगर हमें गवर्नमेंट अरेस्ट करना चाहती है सपोज पुलिस हमें अरेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए उस, उसके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए तभी वो हमें अरेस्ट कर सकती है हमें डिटेंशन कर सकते डिटेंशन मतलब हमें दोषी घोषित कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर ठीक है तो ये चीज़ें हैं हमारे पास देन राइट टू एजुकेशन और सभी के पास राइट टू एजुकेशन है सबको पढ़ने का अधिकार है इसमें एज ग्रुप मैंने नहीं रखती कि सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे नो no. अगर कोई बचपन में सपोज नहीं पढ़ पाया तो वो बड़े होकर भी एजुकेशन ले सकता है राइट टू एजुकेशन एवरीबडी द राइट टू एजुकेशन सो दिस ऑल आर द राइट टू फ्रीडम ये सारी की सारी हमारी राइट टू फ्रीडम है नाउ वी हैव डिस्कस टू फंडामेंटल राइट वन इज राइट टू इक्वेलिटी एंड सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लेटेशन इससे पहले मैं ऊपर डू यू नो रीड करना चाहूँगी फॉर योर जर्नल नॉलेज राइट टू एजुकेशन जो मैंने अभी आपको बताया वॉज इंक्लूडेड इन दॉ कॉन्स्टिट्यूशन इन टू थाउजेंड टू इसको टू थाउजेंड टू में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया इससे पहले राइट टू एजुकेशन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में नहीं था फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फंडामेंटल राइट According to this, the state shall provide free and compulsory education to all children in the age group of six to fourteen years. Or, is ke according the government hai, wo free or compulsory education degi six to eight fourteen years ke bachon ko. ठीक है this is right to education. Now right against exploitation ये कौन सा राइट right है Against exploitation फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सप्लाइटेशन वट डू यू मीन बाई एक्सप्लाइटेशन एक्सपर्टेशन क्या होता है इट मीनस शोशन कोई हमें बिना मतलब हमसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवा सकता उसे हम कहते हैं एक्सप्लाइटेशन अगर हमसे कोई वर्क ले रहा है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मनी uh, मिलेगी वेजेस मिलेंगे लेबर की पूरा जो भी एक क्राइटीरिया uh, होता है वो मिलेगा डेट उसके अगेंस्ट कोई जबरदस्ती हमसे काम नहीं ले सकता जैसे कि ब्रिटिशर्स जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तो अंग्रेज इंडियंस से लेते थे तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अगर हमसे कोई बिना उसके काम ले रहा है तो हम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी में जाकर क्या कर सकते हैं हम कॉन्स्टि हम गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट का मतलब है कि हम कहाँ जा सकते हैं कोर्ट्स में जा सकते हैं कि हमारा एक्सपर्टेशन हो रहा है ठीक है तो प्रोहिबिशन ऑफ टैरफिक इन ह्यूमन बींग ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड बेगार वर्क विदाउट पेमेंट प्रोहिबिशन मतलब मनाई है टैरफिक ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में किसी भी तरह का डर या किसी भी जबरदस्ती को क्रिएट करना ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर जबरदस्ती फोर्स लेबर से वर्क करवाना मना टोटली totally प्रोहिबिटेड है बेगार बेकार होता है वर्क विदाउट पेमेंट कि हमसे काम लिया जा रहा है बट हमें उसकी पेमेंट नहीं की जा रही तो ये भी अलाउड नहीं है कोई भी हमें डरा धमकाकर हम कोई भी हमसे जबरदस्ती और बिना पैसे के काम नहीं ले सकता ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें वेजेस मिलेंगे और यहाँ पर भी ये प्रोविज़न है कि प्रॉपर वेजेस मिलेंगे ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड है कि वन डे की लेबर अगर वन हंड्रेड रुपीज़ है तो वो हमें दस या बीस या पचास रुपये देकर ही काम चला लेगा नो no. अगर गवर्नमेंट ने वन डे लेबर वन हंड्रेड रुपीज़ डिसाइड की है तो दैट पर्सन जिसका हम काम कर रहे हैं ही मस्ट हैव टू बी गिव दैट मच ऑफ मनी हाँ अगर हमारी डीलिंग हो गई है पहले ही जब जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो जाती है कि चलो वी आर रेडी टू वर्क ऑन एटी रुपीज़ आल्सो तो, तो दैट इज़ डिफर थिंग बिकॉज यू आर रेडी टू वर्क ऑन दैट मनी वहाँ पर आप रेडी हो उस उस पैसे पर काम करने के लिए वो आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं ले रहा ठीक है योर विश इज़ ऑल्सो मैटर्ड आपकी विश भी मैटर कर रही है अगर आप बिना पैसे के काम करना चाह रहे हो सपोज़ कोई तो आपकी विश है वो ज़बरदस्ती नहीं है फोर्स वो नहीं है ठीक है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाटेशन इज़ दिस ओके नाउ द राइट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स एंड द नेक्स्ट प्रोविज़न इज़ कि बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर फोर्टीन ईयर्स के एज से कम जितने भी बच्चे हैं जितने भी uh, चिल्ड्रन हैं वो काम नहीं कर सकते उनको एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज माइन्स और हाइजिडियस ऑक्यूपेश ना तो फैक्ट्रीज में ना माइन्स में और कोई सी भी खतरनाक ऑक्यूपेशन में काम करना उन्हें अलाउड नहीं है हमने ऊपर पढ़ा देखो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चे क्या करेंगे दे हैव टू बी गो टू द स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चे एजुकेशन ग्रहण करेंगे उनको चाइल्ड लेबर टोटली प्रोहिबिटेड है चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ठीक है सो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लाटेशन लेट इज कम ऑन द नेक्स्ट अब यहां पर भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्टेशन में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर दो ही प्रोविजन हैं ठीक है एक तो ह्यूमन बीइंग में टेरिफिक क्रिएट नहीं कर सकता फोर्स लेबर बेकार अलाउड नहीं है और दूसरा बच्चे जो चौदह साल से कम एज के हैं उनको उनसे लेबर करवाना अलाउड नहीं है ओके नाउ हेयर वन डू यू नो ऑल्सो यहाँ पर भी एक डू यू नो है हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे हम आर टी आई भी कहते हैं आर टी आई बड़ा फेमस है कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट के वर्क के रिगार्डिंग हम क्वेरीज कर सकते हैं इट वॉज़ गिवन द स्टेटस ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स इन टू थाउजेंड फाइव इसे टू थाउजेंड फाइव में हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया ठीक है दिस राइट right अनेबल्स पीपल टू सीक इंफॉमेशन फ्राम द गवमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द सोसाइटी इसके अकॉर्डिंग क्या है पीपल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशन से जो कि उन मैटर्स को जो कि उनकी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं ठीक हा एवर इंफॉर्मेशन मे बी डिनाइड इफ इट लाइकली टू इंप्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बट गवर्नमेंट यहां पर उस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर सकती है जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो अगर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी कहीं पर दाव पर लगी है तो गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगी दिस इज इंफॉर्मेशन मे बी डिनाइड इफ इट इज लाइकली टू इंप्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री क्लियर चलिए नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेरी कॉमन राइट इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अब ये राइट तो आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा वी ऑल आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन ऑल रिलीजन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ ठीक है हम कोई भी धर्म अपनाने के लिए फ्री हैं वी आर फ्री टू प्रोसेस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको प्रोपोगेट प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलाना कि हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म का ही प्रचार करेंगे हम किसी और धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं वी आर फ्री टू प्रोपोगेट हम कोई भी कोई भी uh, किसी भी चीज़ का प्रचार कर सकते हैं देट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन ठीक है चलिए नाउ फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन इन मैटर ऑफ रिलीजन और इसमें क्या है फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम है मैनेज अपने अफेयर्स को करने की कि वो अपने धर्म को किस तरह से प्रैक्टिस करेगा उसे क्या करना है ठीक है नाउ स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ़ एनी पर्टिकुलर रिलीजन स्टेट यानी कि कंट्री की गवर्नमेंट कोई भी टैक्स धर्म के नाम पर नहीं लेगी धर्म को प्रमोट करने के लिए या धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली पार्टली मेनटेंड आउट ऑफ स्टेट फंड्स कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज धर्म के नाम पर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता पर्टिकुलर धर्म को लेकर बातें नहीं समझा सकता या लोगों को कन्फेक्स uh, करने की कोशिश नहीं कर सकता स्पेशली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको पैसा गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट तो करते हैं जैसे कि जैनिस के जो स्कूल हैं दे प्रमोट देयर ऑन रिलीजन वो अपने धर्म की बातें बच्चों को सिखाते हैं ठीक है ऐसे ही जो मुस्लिम्स में मदरसे हैं दे आर आल्सो गिविंग देयर एजुकेशनल रिलीजियस एजुकेशन टू देम वो भी उन्हें रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं तो वो कर सकते हैं बिकॉज दे आर गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग फ़ंड टू दैम गवर्नमेंट उन्हें फ़ंड नहीं दे रही बट अगर उनमें से भी कोई जो है इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी ठीक है तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि कोई भी रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इम्पार्टेड नहीं की जाएगी इन एनी गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट जो हमारे पास है स्कूल उसमें हम किसी भी तरह का एजुकेशन नहीं देंगे रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे सो टिल टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थ्री आज हमने राइट्स तुम्हें मैंने आपको बता दी हैं एंड टोटल वी हैव कवरिंग द फोर राइट्स टू आर लेफ्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू